हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है किया करेंस का बेस मॉडल विच इज़ द प्रीमियम मॉडल एंड यहाँ पे जो फीचर्स अवेलेबल हैं 6 एयर बैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, हर एक टायर का यहाँ पे एग्जैक्ट टायर प्रेशर भी शो होता है। सो इट्स अ वेरी फीचर रिच वेरियंट नॉट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एज वेल। सो हम शेयर करने वाले इसका डिटेल वॉक अराउंड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अलॉन्ग विद ऑन रोड प्राइस कंपेरिजन एंड सो ऑन। सो चैनल पे फर्स्ट हमारे फटाफट से लाइक का बटन दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। सो राइट ऑफ फ्रंट यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है विच लुक्स रियली वेरी नाइस। यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल है, हाई बीम लो बीम हेलोजन में दी गई है, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप बाद में LED बल्ब जरूर इंस्टॉल करवाएं जो कि 2000 से लेके 5000 के रेंज के बीच में इंस्टॉल हो जाते हैं, डिपेंड करता है कितने वॉट का आप इंस्टॉल करवाते हैं, कौन सी कंपनी का आप इंस्टॉल करवाते हैं। कोई भी बेस्ट कंपनी का यहाँ पे आप LED बल्ब जरूर इंस्टॉल करवाएं बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। एंड बात करते हैं फॉग लैंप्स के बारे में, फॉग लैंप भी दोस्तों 4000 से लेकर 4500 के बीच में यहाँ पे टॉप मॉडल जैसे LED फॉग लैंप इंस्टॉल हो जाते हैं। यहाँ पे लोअर एंड में दी गई है सिल्वर फिनिश, यहाँ पे आप बाद में क्रोम फिनिश भी इंस्टॉल करवा सकते हैं टॉप एंड मॉडल की तरह। और ये है साइड प्रोफाइल एंड DRLs भी दोस्तों यहाँ पे बाद में इंस्टॉल हो जाते हैं 3500 में, तो वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट फेंडर पे यहाँ पे अवेलेबल है टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स नहीं मिलते। एंड दिस इज़ द बॉडी क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग अवेलेबल है, व्हील आर्चेस पे क्लैडिंग अवेलेबल है। ऑल्सो यहाँ पे हम जो भी इसकी डिटेल्स हैं जैसे कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड अदर डिटेल्स वो हम टॉप एंड मॉडल में अदर वॉक रूम्स में काफ़ी बार शेयर कर चुके हैं, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे जैसे आपकी सजेशन आती है। सो हम यहाँ पे इसे बहुत ही कट शॉर्ट रखने वाले हैं येट वेरी डिटेल्ड। एंड दिस इज द टायर, सो यहाँ पे स्टील व्हील अवेलेबल हैं विद दीज व्हील कवर्स, व्हील कवर्स काफ़ी स्टाइलिश लुक ऑफर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 16 इंचेस के स्टील व्हील अवेलेबल हैं विद व्हील कवर्स, 205/65 सेक्शन टायर R16। एंड ये बेसिकली डीजल है तो यहाँ पे 16 इंचेस के हैं, वो पेट्रोल है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे 15 इंचेस के हैं, प्लस उसका जो व्हील कवर का स्टाइल है दैट इज़ ऑल्सो बिट डिफरेंट। एंड बॉडी कलर यहाँ पे बैंडल अवेलेबल हैं, यहाँ पे ब्लैक्ड आउट आपको पिलर्स मिलेंगे ABC एंड डी पिलर। यहाँ पे ऑल्दो इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है गाइज, बट यहाँ पे मैक्रो रूफ एंटीना मिल जाता है आपको। पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है इंटीग्रेटेड स्पॉयलर में। एंड दिस इज़ द रियर लुक, सो रियर में LED टेल लैम्प आपको नहीं मिलेंगे, नॉर्मल कन्वेंशनल टेल लैम्प दिए गए हैं। टेल लैम्प्स एक जॉइनिंग है, काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे नहीं मिलता दोस्तों, वो यहीं पे दिया गया। देन किया का लोगो कारेंस की यहाँ पे न्यू फॉन्ट के साथ बैजिंग है। एंड रियर में रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं, 4 सेंसर्स आपको मिलते हैं, लाइसेंस प्लेट लाइट्स आर इन हेलोजन। एंड बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे टेलगेट ओपन हो जाएगा, ग्रैब हैंडल, एमरजेंसी एग्जिट इन केस आप स्टक हो जाता है कार के अंदर, यहाँ पे की इंसर्ट कर सकते हैं, इसे स्लाइड करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। दिस इज़ द कार्गो एरिया, इसको आप लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डिसेंट आपको स्टोरेज एरिया मिल जाता है। अच्छा है ये ब्लैक कलर का दिया गया, अगर बेज कलर का होता तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता, सो गुड थिंग दैट ये ब्लैक कलर का अवेलेबल है। और यहाँ पे ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपको ग्रॉसरी हुक मिल जाता है, बट लगेज लैम्प नहीं दिया गया। 350 में आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं लगेज लैम्प, यहाँ पे भी आपको हुक्स मिल जाते हैं, इवन एक हुक यहाँ पे दिया गया, एक हुक यहाँ पे अवेलेबल है, मैक्सिमम 3 kg ये होल्ड कर सकते हैं, सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन, दिस इज़ द मिनिमम रिक्लाइन। एंड सीट्स को आप ऐसे डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट डाउन हो जाती हैं सीट्स। एंड देन इसको अगर ऊपर आपको खींचना है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, सो ऐसे से आप पुल बैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ इन्वॉल्व की एक कोर परफ्यूम। सो बेसिकली इन्वॉल्व की हर एक परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है इट इज़ वेरी डिफरेंट, एंड हर एक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप अपने जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो परफ्यूम है वो परचेज कर सके। सिंपली डैंगलर को ऐसे हैंग करेंगे, ये है प्योर वुड परफ्यूम एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस आपको मिलती है बहुत ज़्यादा सूदिंग, रिलैक्सिंग एंड बहुत ही डिवाइन फ्रेग्रेंस दी गई है, एकदम से ये माइंड को काम कर देती है। यहाँ पे 2-3 स्प्रे करेंगे नॉर्मली आप तो एंटायर कैबिन विल बी फुल ऑफ फ्रेशनेस। सो इट इज़ मेड इन इंडिया परफ्यूम, 2-3 महीने ये आराम से चल जाती है। अभी के अभी जाएं volumesenses.com पे, ऑर्डर योर परफ्यूम, पुल बैक कर सकते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। एंड जो स्पेयर टायर है वो आपको अंडर यहाँ पे प्लेस मिलेगा, सो अंडर बॉडी प्लेस स्पेयर टायर अवेलेबल है। एंड बेसिकली जो स्पेयर टायर है उसका टायर प्रेशर डिस्प्ले नहीं होता, सिर्फ चारों टायर्स का टायर प्रेशर डिस्प्ले होगा जो कि यहाँ पे डिस्प्ले करा जाएगा। एंड देन जो ORVM है वो ऐसे मैनुअली एडजस्टेबल है, लेकिन टॉप एंड मॉडल की तरह आप इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा बाद में। उससे पहले बात करते हैं इस इंजन ऑप्शन के बारे में। सो वैसे तो कार इंजन में काफ़ी सारे इंजन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अवेलेबल है, 4 सिलेंडर, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल है, एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिलता है विच इज़ अगेन 4 सिलेंडर। लेकिन ये बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको लिमिटेड इंजन एंड ट्रांसमिशन मिलेगा,
एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। यहाँ पे इंजन देख सकते हैं, दिस इज़ द डीजल एंड अंडरबॉडी इंजन गार्ड भी अवेलेबल है। सो अंडरबॉडी इंजन गार्ड काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे देता है। मान लीजिए आप अगर कोई वाटर एक्यूमुलेटेड एरिया में जाते हैं तो जो वाटर का स्प्लैश है वो इंजन के मेन कंपोनेंट्स तक पहुंचने से बच जाएगा। प्लस यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, रैट, कैट, पिजन्स वगैरह, वो इजीली यहाँ पे इंजन में घुस के उसकी वायरिंग को डैमेज नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, फिर क्विकली चेक करेंगे इंटीरियर्स। ऑल्सो अगर आपको किसी भी कार की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर एक कार की वहाँ पे ऑफिशियल सर्विस कॉस्ट पोस्टेड है, सो मेक श्योर टू चेक बिफोर बाइंग एनी कार टू नो किसकी सर्विस कॉस्ट हाई है, किसकी लो है। एंड यहाँ पे आप ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन देख सकते हैं। इस प्राइस में आपको अर्टिगा का VXI मॉडल मिल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इन ओवरऑल टर्म्स ऑफ स्पेस एंड कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। एंड किया करेंस के बेस मॉडल का एंड सेकंड मॉडल का आप ऑन रोड प्राइस भी देख सकते हैं आप कंप्लीट। सो सेकंड मॉडल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे 1,50,000-60,000 का आपको वहाँ पे डिफरेंस पे करना पड़ेगा। एंड दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स जो कि अवेलेबल है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सारी। सो 6 एयर बैग्स, ABS, DBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESP, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट, हाईलैंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशन एंड लोड लिमिटर, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। सो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड दीज आर द कीज। एंड आपको कैसी कार को लॉक एंड अनलॉक करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे ऑल 4 डोर्स लॉक हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग अवेलेबल है। तो रिमोट की बाद में आप इंस्टॉल करवाएंगे तो आप सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो रिमोट के अराउंड यहाँ पे आप 1500 से लेके 3000 के बीच में इंस्टॉल करवा सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी प्रेफरेंस के ऊपर। सो कार को ऑन कर लेते हैं एंड सेफ क्लच स्टार्ट अवेलेबल है। सो क्लच को प्रेस करेंगे देन हम कार को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द डैशबोर्ड। फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको टॉप क्लास मिलती है, एवरीथिंग फील सो प्रीमियम। यहाँ पे ट्रिपल टोन बेसिकली इंटीरियर्स अवेलेबल हैं, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, बेज कलर, देन वी हैव गॉट सिल्वर फिनिश ओवर हियर। AC वेंट्स के जो कंट्रोल दिए गए, इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड ये है फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं। एंड देन दिस इज हेडलैम्प लेवलर। यहाँ पे क्लच फुट रेस्ट अवेलेबल है, इधर से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम बोनेट ओपन कर सकते हैं। दिस इज द OBD पोर्ट एंड फ्यूज बॉक्स, यू कैन सी। एंड बेसिकली गाइस वी गेट लेदर सीट अपहोल्स्ट्री। सो कंप्लीट ब्लैक कलर की लेदर सीट अपहोल्स्ट्री अवेलेबल है, ब्लैक एंड ब्लू कलर। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया इन द बेस मॉडल, विच इज रियली कमेंडेबल। दिस इज द कैबिन, काफ़ी स्पेशियस आपको इंटीरियर मिलता है। ऑल 3 रोज जो है काफ़ी स्पेशियस दी गई हैं, इवन जो 3rd रो है वो आपको इनोवा से ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी और ज़्यादा स्पेशियस मिलेगी इवन फॉर अ 6 feet पर्सन। ये है ट्रिपल टोन और रोल टोन फ्रंट डोर स्पीकर। बॉटल होल्डर्स आपको मिलते हैं, 1, 2, 3 बॉटल होल्डर्स। ये अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है, देन देर इज सम स्पेस ओवर हेयर। एंड यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज अवेलेबल हैं। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन नहीं दी गई, ना ही ऑटो अप अवेलेबल है। पावर डोर लॉक स्विच, ORVM जो है हमें मैनुअली ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, बट आप बाद में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन इंस्टॉल करवा सकते हैं। एम्बिएंट लाइट यहाँ पे नहीं दी गई इस मॉडल में, वो भी बाद में इंस्टॉल हो जाती है। ऑल 4 फुटवेल्स में भी, यहाँ पे भी जैसे लाइन आती है प्रॉपर, वो इंस्टॉल हो जाती है। गाइस डिपेंड करता है 2000 से लेकर 6000, डिपेंड करता है आप कितनी लाइट्स इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं एंड दिस इज द व्यू व्हाइल ड्राइविंग द कार। हॉर्न काफ़ी पावरफुल है। देन दिस इज द आर्मरेस्ट, विच इज कुशन आर्मरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे एक ट्रे मिलती है, इसको ओपन करेंगे, देन देयर इज सम स्पेस ओवर हियर। यहाँ से भी आप डायरेक्टली स्लॉट कर सकते हैं, ओपन आर्मरेस्ट है बेसिकली। ट्विन कप होल्डर स्पेस, दिस इज द गियर नॉब, रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं। सो यहाँ पे रिवर्स गियर पोजिशन इंडिकेटर एंड सेंसर का कुछ ऐसा आपको डिस्प्ले मिलेगा, नॉर्मल साउंड, प्रॉपर आपको सेंसर का डिस्प्ले नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ स्पेस दिखी है, वायरलेस चार्जर आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं गाइज यहाँ पे 3000 में। एंड देन 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक आपको यहाँ पे सी टाइप चार्जर मिल जाता है विच इज एल्यूमिनेटेड। एंड दिस इज हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं। एंड वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दिस इज द AC, सो मैनुअल AC दिया गया। एंड AC की जो वर्किंग है दैट इज़ कमेंडेबल, बहुत ही फास्ट कैबिन कूल हो जाता है स्पेशली डीजल में।
एंड दिस इज़ द स्पेस फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम. सो यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों 15,000 में. यहाँ पे 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा किसी भी एसेसरी स्टोर से, जिसमें आप यहाँ पे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं. रियर में कैमरा पेयर हो जाता है. आपके ऑफिस या होम में CCTV इंस्टॉल है तो उसका डिस्प्ले आप ले सकते हैं. यहाँ पे मेल आपको मिल जाती है, गूगल न्यूज़, मैप्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है. सो 15,000 to 20,000 में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा विद स्पीकर्स. एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही एक्सीलेंट स्टाइलिंग करी गई है. कूल ग्लव बॉक्स अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे देखेंगे तो वैनिटी मिरर, नॉर्मल डे एंड नाइट IRVM. यहाँ पे देखेंगे तो टॉयलेट सीट होल्डर, सेंटर में हेलोजन कैबिन लैम्प विच इज़ नॉट एज पावरफुल. सो बाद में आप यहाँ पे LED लैम्प वाला जो कंसोल है वो 2500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं. एंड आई विल रिकमेंड वो आप ज़रूर इंस्टॉल करवा लें. और ये है स्टीयरिंग व्हील. फ्लैट बॉटम आपको नहीं मिलेगा, एडजस्टेबल है. सो टिल्ट एडजस्टमेंट बट नो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट. सो टिल्ट एडजस्टमेंट ही दी गई है. यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है. क्रूज़ कंट्रोल आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन आई वोंट रिकमेंड एट ऑल आफ्टर मार्केट क्रूज़ कंट्रोल दोस्तों, बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करवाना. यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल हो जाते हैं आफ्टर मार्केट, वो आप करवा सकते हो 3,000 से लेकर 5,000 में, डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी की करवाते हो. आई विल रिकमेंड हाई क्वालिटी के 5,000 वाले कंट्रोल्स ही आप इंस्टॉल करवाएं. देन दिस इज़ द कंट्रोल फॉर द MID में हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले दीज आर द वाइपर्स. सो टू वॉशर दी गई है जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है. वाइपर्स काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते हैं. रियर वाइपर इस मॉडल में नहीं दिया गया. दीज आर द हेडलैम्प कंट्रोल्स. एंड यहाँ पे स्पीकर की स्पेस अवेलेबल है. यहाँ पे भी दोस्तों आप ज़रूर स्पीकर इंस्टॉल करवाएं. एंड देन दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर दिया गया. सो यहाँ पे सेंटर में बिग साइज़ की स्क्रीन अवेलेबल है. यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स दिए गए हैं. लेफ्ट साइड डिस्प्ले होती है स्पीडोमीटर, राइट साइड टेकोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर भी डिस्प्ले होता है, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज. एंड यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है दोस्तों, जैसे कि डुअल ट्रिप मीटर, सिंगल ट्रिप में यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इंजीनियरिंग टाइम एंड माइलेज शो करता है. एंड देन सो यहाँ पे आप ट्रिपल क्लिक करेंगे 1, 2, 3. एंड देन यहाँ पे आप ओवरऑल जो इल्यूमिनेशन है कैबिन की वो एडजस्ट कर सकते हैं. एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी सेटिंग गाइज आपको मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप सर्विस रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. सर्विस कितने दिन में ड्यू है उसको आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं. यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, लीटर पर 100 किलोमीटर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं. देन सेल्सियस को फ़ारेनहाइट कर सकते हैं. डुअल ट्रिप मीटर मिल जाता है, डिस्टेंस टू MT, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर. सो वी गेट ऑल द बेल्स एंड विसल्स ओवर हियर. कौन सा डोर ओपन है उसको भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा. बोनेट ओपन है तो उसका डिस्प्ले आपको नहीं मिलता. रियर डोर ओपन है तो उसका डिस्प्ले आपको मिल जाएगा. एंड टेलगेट का भी डिस्प्ले आपको मिलेगा. सो रियली नाइस. यहाँ पे बेस मॉडल में काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है जो कि आपको काफ़ी इंप्रेस कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द डुअल टोन रियर डोर. सो ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस. प्रैक्टिकलिटी की तो मानने वाली बात है दोस्तों, काफ़ी प्रैक्टिकल यहाँ पे स्पेसेस दी गई हैं. यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स अवेलेबल हैं विच आर एक्चुअली इल्यूमिनेटेड. सो यहाँ पे सारे ही कंट्रोल्स गाइस जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे भी एंड रियर में भी दे ऑल आर इल्यूमिनेटेड. सो दिस कंट्रोल इज़ एल्यूमिनेटेड. एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट सीट्स के बैक पे भी पॉकेट अवेलेबल है. यहाँ पे सेंटर में AC कंट्रोल फॉर द सेकेंड रो एंड थर्ड रो. सो रूफ माउंटेड AC वेंट्स अवेलेबल हैं. एंड देन यहाँ पे 2C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है विच आर एल्यूमिनेटेड. यहाँ पे कुछ और स्पेस दी गई है. एंड यू कैन सी सेकेंड रो AC, थर्ड रो AC. एंड ये है सेकेंड रो सीट. दिस इज़ द मैक्स रिक्लाइन एंगल गाइस. सेंटर में आप एक आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है जो कि थर्ड रो सीट में कन्वर्ट हो जाती है. ट्विन का होल्डर स्पेस दी गई है. एंड देन चाइल्ड लाइक सोफिक्स माउंट्स भी दिए गए हैं. और इवन यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाती है. 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 1 टच टंबल दोनों ही साइड दिया गया. एंड दीज आर द रियर सीट्स. रिक्लाइनेबल सीट्स दी गई है. यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग, यहाँ पे भी आपको सी टाइप चार्जिंग मिल जाती है इल्यूमिनेटेड. बॉटल होल्डर स्पेस दोनों ही साइड दी गई है. देर इज़ अ ग्रैब हैंडल ओवर हेयर विच इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड इन दिस मॉडल. टॉप एंड मॉडल में इल्यूमिनेटेड है. यहाँ पे हेलोजन लैम्प, 2 AC vents, रूफ माउंटेड. यहाँ पे 2 roof-mounted AC vents, अगेन एक कैबिन लैम्प एंड ग्रैब हैंडल्स. ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, सिर्फ एक साइड ही कोट हैंगर दिया गया. एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड. सो काफ़ी प्रैक्टिकल कार है गाइज. ओवरऑल अगर आप कंसिडर करें यहाँ पे जो फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं, जो सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं जिस प्राइस में, एंड जो ओवरऑल स्पेस है, जो कम्फर्ट है, दैट इज़ ऑल्सो नाइस. सो ओवरऑल इट इज़ 10 on 10. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो दोस्तों. अगर आपके कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में.